जय जिनेंद्र। कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छुन्ना। तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। छुन्ना बनाने के लिए मैंने गेहूं लिए हैं। ये मार्केट में खुटे में तैयार मिलते हैं गेहूं, वो लिए हैं। और घर पे भी हम मानदस्ते में या मिक्सर में ऑन ऑफ करके उनको खोट सकते हैं। 2 कप गेहूं में मैंने 2.5 कप पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। 4 से 5 बिसल लगा लेंगे, फिर हम उसको दूध में पकाएंगे। हो रहा है, बिसल आ रही है, तब तक एक साइड हम दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर दूध चढ़ाया है बॉईल होने के लिए। और इसमें हम थोड़ी सी केसर ऐड कर देंगे। केसर मैंने गुलाब जल में भिगोई हुई है। गुलाब जल में भिगोई हुई केसर की कुछ पंखुड़ियां हैं जो हम दूध में ऐड कर देंगे। इससे दूध का कलर अच्छा आ जाएगा। इसको बॉईल होगा, गाढ़ा करना है हमें, तो इसको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे, नहीं तो दूध नीचे लगने का रह सकता है। गेहूं हमारा देखिए सी एकदम अच्छे से गूंदा गूंद सीज चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको, फिंगर से ऐसे करते मैश हो रहा है। अब हम इसको, अगर आपको लगे ये जम गया है तो इसको हाथ से ऐसे स्पून की हेल्प से हम खोल सकते हैं। इसमें गुट्ठी नहीं है, जमा हुआ नहीं है। पानी आप थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें बॉईल में। मैंने 2 कप में 2.5 कप बताया, 3 कप तक आप कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। अब हम इसको धीरे धीरे, दूध जो हमारा गाढ़ा हो रहा है इसमें हम ऐड कर देंगे। आराम से उछलने का रहेगा। और इसको अब हम, जब ये गेहूं बॉईल सीज चुके हैं हमारे, दूध में ऐड कर लिए हैं हम, तो अब हमें कंटिन्यू इसको हिलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये नीचे चिपकने का रहेगा। इसलिए ज्यादा ज्यादा दूध हमें गाढ़ा पहले ही कर लेना है गेहूं ऐड करने से पहले। अब हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे और इसी तरह हम हिलाते रहेंगे। इसमें भी आपको लगे कोई गुट्ठी जैसे पड़ गई है, मतलब गेहूं इकट्ठे हैं, तो हम स्पून की हेल्प से इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं गेहूं डालते ही हमारे छुन्ना जो है दूध को पकड़ लेता है। इसलिए दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा करके हल्का ही रखना है कि उसमें ये एब्जॉर्ब हो सके। अभी 5 मिनट में हमारे छुन्ना बनके रेडी हो जाएंगे। देख सकते हैं गाढ़ा होने लग गए हैं। इसी टाइम हम अब इसमें कार्डमम पाउडर ऐड कर देंगे। पहले ऐड नहीं करेंगे कार्डमम पाउडर जो है, उसकी जितना पहले हम ऐड करेंगे जैसे जैसे उबाल आएगा उसकी स्मेल कम होती जाती है, इसलिए हम इसको एंड में ही ऐड करेंगे। और ये बस 2 मिनट में अब हमारा रेडी होने वाला है। छुन्ना जो है हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है और इसे हम विंटर में एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ। तो फिर अभी विंटर सीजन स्टार्ट है, तो बनाइए। कैसा लगा मेरे को कमेंट के जरिए बताइए। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका सकते हैं और ये हमारा तैयार है। थोड़ा हल्का ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और फिर इसको कैसे सर्व करना है, क्या गार्निशिंग कर सकते हैं ये देखते हैं। फ्लेम ऑफ,
प्लेट में हमने चूना डाल लिया है। अब मेरे पास यहाँ सिल्वर फॉइल एडिबल जो बर्क बोलते हैं हम चांदी का वो है, ये ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से लगा देंगे। अब हम इस पे ऐड करेंगे घी, गाय का घी घर का है, इसको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे हम शुगर, एज यू लाइक, मीठा जितना आपको पसंद हो वैसे आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़े से बादाम और पिस्ता के मैंने कतरन करके रखी हुई है, इनसे हम गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहो तो छुन्ना में भी इनको डाल के एंड में जब हमारे तैयार हो जाए छुन्ना तब भी हम उसमें बादाम पिस्ता डाल सकते हैं। और मैं अब कुछ सैफ्रन के जो भिगोए हुए मेरे पास लच्छे हैं उनको डाल देती हूँ। बनाइए और मेरे को कमेंट के जरिए बताइए कि कैसे लगी ये। विंटर में बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म हम इसको पकौड़े के साथ खा सकते हैं और गट्टे का पुलाव जो होता है उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। एंजॉय कीजिए इसको। ये हमारी प्लेट अब सर्विंग के लिए तैयार है। तैयार है हमारे छुन्ना गरम कर, तो विंटर में इसको एंजॉय कीजिए। और कैसी लगी मेरी रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।